पनीर और चॉकलेट से ये मोदक बहुत ही टेस्टी सा बनके रेडी हुआ है फ्रेंड्स। पनीर चॉकलेट ड्राई फ्रूट से ये मोदक ना एकदम मतलब सॉफ्ट का सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स। तो एक बार इसको बना के भगवान को भोग लगाना तो बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुक विथ गंगा वाइब्स में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। और यहाँ पे चॉकलेट से जो मैंने मोदक बनाया हुआ है ना वो बहुत ही टेस्टी सा लेकिन बहुत ही आसान, इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो एक बार इसको जरूर बनाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिया हुआ है चॉकलेट है 2 डेरी मिल्क का और पनीर है 50 रुपये मतलब 100 ग्राम और ड्राई फ्रूट है और एक कटोरी पूरा हमने नारियल का बुरादा ले रखा है। तो सूखा नारियल है, आप चाहें तो इस पे नारियल जो फ्रेश नारियल आता है उसको भी घिस के ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बर्तन गरम कर लिया हुआ है और इसमें थोड़ा सा जो हमने ड्राई फ्रूट रखा है ना 8-10 बादाम है, 8-10 काजू है, इसको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसका एक अच्छा सा पाउडर बन के रेडी हो जाए फ्रेंड्स। तो इसको भून के एक तरफ निकाल लिया हुआ है और इसको एक तरफ रखने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट जो किया हुआ है ना तो वो बर्तन बहुत ज़्यादा गर्म है तो नीचे के सतह में जो है ना वो लग जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद इसको चालू करके गैस को बिल्कुल लो रखना है, उसी पे इसको भून लेना है। हल्का सा इसको भूनना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो देखिए इसको मैं निकाल ली और एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दी। इधर इसको करेंगे ठंडा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक हमने जो ड्राई फ्रूट भून के रखा है ना इसको पीस लेंगे और इसमें 2 इलायची मैंने टेस्ट के लिए ऐड कर दिया हुआ है। सो देखिए यहाँ पे पीस के रेडी हो गया है, इधर ये भी ठंडा हो गया है। इसमें हमें पनीर को मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स, इसको घिसना उसना कुछ नहीं है, ऐसे ही इसे हाथों से मसल के ही इसमें मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसमें मिला ली, इसके बाद से जो हमारा ड्राई फ्रूट है ना इसको भी इसमें मिला लेंगे। और फ्रेंड आपसे बताऊं मैं चीनी रखना यहाँ पे भूल गई थी, फिर मैंने चीनी लिया है 1/2 कटोरी जिससे हमने नारियल का जो बुरादा रखा था उसी से 1/2 कटोरी चीनी है, लेकिन इतना चीनी नहीं ऐड करेंगे फ्रेंड्स। 1 कटोरी में हमने निकाल लिया हुआ है और 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी हम ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसमें चॉकलेट मिक्स करना है फ्रेंड्स, तो वो भी मीठा होगा ये भी मीठा होगा तो डबल मीठा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मतलब उतना नहीं अच्छा लगेगा, तो इसके लिए हमें इसमें कम चीनी रखना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पनीर ऐड किया हुआ है ना तो ये अच्छा सा बैंड एक बंद के रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें आप कुछ नहीं मिलाना है, पानी बिल्कुल मत मिलाइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है, अब इसको रख देंगे एक तरफ। इसके बाद हमें चॉकलेट को तोड़ लेना है अच्छे से और छोटे छोटे पीस में इसे कट कर लेना है। ये चॉकलेट का मोदक मतलब हर किसी को पसंद आएगा फ्रेंड्स, तो एक बार ऐसे बना के जरूर ट्राई करिए। सो देखिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म हो गया है और मेरे पास ये पकड़ने वाला नहीं है तो मैं इसमें जुगाड़ से ही काम करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐसे ही एक फंसा दिया हुआ है, चक्कू फंसा लीजिए या कुछ भी फंसा लीजिए, इसके वजह से चॉकलेट देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है, गैस को बंद करेंगे और चॉकलेट निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए अब यहाँ पे ये ठंडा हो गया है। अब जो ये मोल्ड है ना मोदक का इसको लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हमें घी लगाना है और घी लगा के इसको बंद कर लेना है। इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट का ये बना के रखा है ना डो उसको इसके अंदर भरना है और इसके बाद थोड़ा सा इसमें बीच में इसमें गैप बनाना है। आप अपने अंगुलियों से अंगूठों से गैप बना लीजिए बीच में बिल्कुल थोड़ा सा और इसी में अब आपको चॉकलेट भरना है। सो देखिए ऐसे ही चॉकलेट भर देंगे, ऊपर से फिर जो हमने ड्राई फ्रूट का डो बना के रखा है ना उसको इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत ही आसान फ्रेंड है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। सो देखिए और 2 मिनट इसको पकड़ के रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से, नहीं तो खुलेगा ना तो फ्रंट टूट जाएगा। तो इसके लिए 2 मिनट तक पकड़ के रखिए, 2 मिनट नहीं मतलब 5-10 सेकेंड तक पकड़ के रखिए। और देखिए यहाँ पे मैंने खोल के निकाल दिया और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इसका डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो एक बार ऐसे बना के जरूर ट्राई करिएगा।
ऐसे ही हमें सारे मोदक बना के रेडी कर लेना है। बीच में इसके गैप जरूर करिए फ्रेंड्स और नीचे तक पूरा अच्छे से भरिए। एक कटोरी कोकोनट में ना कम से कम 10 से 12 बना हुआ है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी बना है। तो देखिए ऐसे ही इसको भर देंगे और भर के रेडी कर लेंगे। 2 मिनट में पकड़ के रखी हूँ, इसके बाद ये बन के रेडी हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसको निकाल लेंगे और सारे मोदक बन के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही टेस्टी सा बन के रेडी होगा फ्रेंड्स। देखिए और नीचे के साइड जो थोड़ा थोड़ा चॉकलेट दिख रहा है ना, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए ऐसे ही सारे मोदक बन के रेडी हो गए हैं। तो देखिए 8 से 10 मोदक बन के रेडी होंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी सा मोदक बना हुआ है, एक छोटा सा इतना छोटू सा बन के रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमें डेकोरेट करना है, तो जो हमारा चॉकलेट बचा हुआ है ना, इसी में 1 से 2 चम्मच आप अपने हिसाब से मिला लीजिए। दूध मिलाइएगा, पानी ना मिलाइएगा। तो दूध मैं मिला रही हूँ, 1 चम्मच मिलाई हूँ, फिर भी अभी बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा और मिलाएंगे। इसमें 1 चम्मच और मिला रही हूँ दूध और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसके बाद देखिए एक अच्छा सा डो बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। इसको थोड़ा सा हमें डेकोरेट करना है। सो देखिए अब यहाँ पे हमने पूरा अपना रख लिया हुआ है और ये रहा चॉकलेट। इसके ऊपर जब आप डालोगे ना तो ये बहुत ही खूब इसके ऊपर ऐसे ही चॉकलेट जो है ना उसको गिराते जाना है सारे पे, और बहुत ही सुंदर सा ये दिखेगा फ्रेंड्स। दिखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना तो बनता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे सारे पे मैं ऐसे ही चॉकलेट जो है ना इसको इसके ऊपर बीच में गिराएंगे, ताकि एक तरफ किधर भी गिरे, एक दो साइड गिरे तो अच्छा दिखेगा इससे। और 2 से 3 मिनट इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही सारे मेरे बन के रेडी हो गए हैं और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। इसके अंदर भी फिल किया हुआ है और ऊपर से जो ये चॉकलेट दिख रहा है ना, ये मतलब क्या ही लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स। तो एक बार इसको जरूर ऐसे बनाइए और बनाना बहुत ही आसान, देखिए बिल्कुल आसान है। अगर जो आपके पास मोल्ड नहीं है ना, तो आप जैसे मोमोज भरते हो ना, बिल्कुल वैसे भी इसको भर के रेडी कर सकते हो। और इधर देखिए जो गणपति जी है ना, उनको मेरी बेटी और जो बच्चे हैं ना, वो सब इनको खिला रहे हैं मोदक को। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी बन के रेडी हुई है। और पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वीडियो नहीं देख रहे हो पूरा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।